पश्चिम बंगाल के मालदा की ये सीधी तस्वीरें दर्शक आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त रोड शो करते हुए मालदा में, कुछ देर पहले ही उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, ममता बनर्जी पर सीधे हमला बोला और किसानों पर अन्याय करने का भी आरोप लगाया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। अमित, भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन क्या आप देखकर ये महसूस कर पा रहे हैं कि चुनावी रैली से कुछ अलग इसमें दिखाई दे रहा है? अमित, हमारी आवाज अगर इस तमाम शोरगुल के बीच आप तक पहुंच पा रही है तो क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं क्या ये सिर्फ एक चुनावी रैली की तरह रोड शो दिखाई दे रहा है? और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के मालदा से। कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच चुके थे कोलकाता। आज जब वो मालदा पहुंचे तो यहाँ किसानों के बीच वो थे, उनसे बातचीत उन्होंने की, उनके साथ भोजन किया और आरोप ममता बनर्जी सरकार पर लगाया कि इन्हीं किसानों पर अत्याचार किया गया है ममता सरकार की ओर से। जो केंद्र की ओर से किसान सम्मान निधि भेजी जाती है उसे इन किसानों तक, गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया ममता बनर्जी ने, और इसीलिए दावा ये किया गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है। और उसी कड़ी में अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए फ्रंट फुट पर आगे बढ़ते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हुए मालदा में। मालदा जो कि अब तक परंपरागत तौर पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, कांग्रेस के कद्दावर नेता जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी भूमिका निभाते रहे उनका ये क्षेत्र और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहां से। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खासी कामयाबी हासिल की और इसीलिए पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में जो उनके विरोधी दलों के खास क्षेत्र माने जाते थे वहां बीजेपी पैठ बनाने की कोशिश में, और उसी कड़ी में आज मालदा पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और ये जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, बीजेपी ने जब पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि बड़ा जन समर्थन उन्हें मिला है तो विधानसभा चुनाव में भी अपने उन्हीं मतदाताओं को अपने पक्ष में रखने के लिए अब बीजेपी एक के बाद एक कार्यक्रम कर रही है। अमित, भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की, खासतौर पर मालदा की जनता देख रही है कि ये है तो एक तरह की चुनावी रैली और रोड शो ही? जी हाँ बिल्कुल, भले ही आचार संहिता यहाँ पर नहीं लगा है और भले ही यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन ये चुनावी रैली का ही माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर जेपी नड्डा का जो रथ है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ है। यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा का जो रथ है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा का रथ यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब भीड़ जो है वो काफी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं और ये जो लोग हैं वो एक झलक जेपी नड्डा का यहाँ पर एक झलक पाने के लिए जेपी नड्डा का यहाँ पाने के लिए वो यहाँ पर जेपी नड्डा का एक झलक पाने के लिए वो यहाँ पर खड़े हैं। जो लोग अपने घरों के ऊपर खड़े हैं, छतों पर खड़े हैं देखने के लिए। और ये जो इलाका है आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पर रैली हो रही है मालदा का इलाका, ये एक समय में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इसमें अब सेंध लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ पर कोशिश कर रही है और किस तरीके से ये जो रथ यात्रा है ये अब ये आधे घंटे पहले यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक भी 750 मीटर का ये रथ यात्रा है, लेकिन ये अभी तक अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच पाया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर मालदा जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 विधानसभाएं हैं और ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। इन 12 विधानसभाओं की सीट पर बीजेपी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके उम्मीदवार जीते और इसी वजह से जेपी नड्डा यहाँ पहुँचे हैं। और जेपी नड्डा यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मैंगो इंस्टीट्यूट, वहाँ पर जाकर किसानों से बातचीत की है, वैज्ञानिकों से बातचीत की हो, क्योंकि मालदा की विशेषता है मालदा आम हर जगह जाता है। और दूसरी तरफ
या दूसरी तरफ उसके बाद जब वो किसानों के पास आए, किसानों के साथ उन्होंने भोजन किया, उस वक्त उन्होंने किसानों उस वक्त उन्होंने वहीं से ममता सरकार पर हमला किया है और अब ये रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मालदा का सड़क है, यहाँ ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और यहाँ पर अब ये सड़क पूरी तरीके से गिरुआ मैं हो चुका है। 2019 लोकसभा चुनाव में मालदा की जो दो सीटें हैं, लोकसभा चुनाव की जो लोकसभा की उत्तर और दक्षिण एक पर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे गनी खान चौधरी, उनके जो भाई हैं वो सांसद हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। और अगर हम लोकसभा चुनाव की गिनतियों की बात करें तो 12 विधानसभाओं में से 6 विधानसभा में बीजेपी आगे थी, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मालदा इस बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजेपी के लिए। और इस वजह से जेपी नड्डा जो है यहाँ पर इस सड़क पर रैली कर रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और ये जो पूरा सड़क है वो गेरुआ में हो रखा है इस वक्त। प्रशांत, और मालदा जो कि अपने फेमस आम के लिए भी जाना जाता है, तो यहाँ आम लोगों के बीच एक खास शख्सियत और बड़ी तादाद में ये जनसैलाब, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मालदा आने के भी उनके एक मायने और संकेत देने की कोशिश उन जगहों पर जहाँ कब की उनके विरोधियों की पैठ हुआ करती थी। कुछ और ऐसे ही जगह भी रही जहां कभी लेफ्ट का गढ़ था तो कई टीएमसी का गढ़, वहां भी बीजेपी पहुंचने की कोशिश करती रही, इसी तरह के आयोजन करती रही है। और उसी कड़ी में एक बड़ा आयोजन आज पश्चिम बंगाल के मालदा में, जो कांग्रेस का गढ़ पहले कहा जाता रहा, लेकिन अब जेपी नड्डा खुद पहुंचे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहां किसानों से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन ये जो रोड शो इस वक्त चल रहा है मालदा में, इससे पहले किसानों के साथ जेपी नड्डा ने मुलाकात की, एक रैली को संबोधित किया, किसानों के बीच भोजन करने से पहले उन्होंने सीधे आरोप ममता बनर्जी पर लगाया कि ममता सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया और केंद्र की योजनाओं को लागू ना करके उन तक फायदा नहीं पहुंचने दिया। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा।